गुड मॉर्निंग गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करूंगा वही अच्छे खासे होंगे। आपका भाई तो देख ही सकते हो, भाई बिल्कुल मस्त है, मस्त जबरदस्त। तो आज आज भाई ब्लॉग की शुरुआत गाइज सुबह सुबह हो चुकी है 10 बजे। वही नंबर मत देखो भाई, 10:08 के ऊपर। तो अभी मैं जो सोने का बिस्तर है, जो हमारा मखमली आराम करने का बिस्तर है, उसको भिगोने जा रहा था मैं। तो मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत भी करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वाले ब्लॉग में आपको बताया था, बताता भी रहता हूँ कि आजकल ना जो लोग यहाँ पर आए थे वो सारे के सारे जाने वाले भाई, तो यहाँ पे जो लोग आए थे वो वापस जा चुके हैं। तो धीरे धीरे हमारे आसपास जितने भी लोग आए थे अपने जानवर को लेकर, अपनी मक्खियाँ और घास को समेटने, आलू को समेटने, तो वो सारे लोग एक या दो तीन दिन में सारे वापस जाने वाले हैं। तो अभी से शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए गाइस, ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया है। सबसे पहले हम अपने जो बिस्तर है उसको भिगोने। तो दोस्तों ये अपने कपड़े जा चुके हैं भीगने के लिए। तो अब सबसे पहले वर्दी चेंज होगी भाई। ये देखो चेंज करने का तरीका देखा है, ये और ये और ये। तो दोस्तों वर्दी चेंज हो चुकी है क्योंकि टी शर्ट में ना ऐसे खराब मौसम है। खराब का मतलब है, मैं आपको दिखाता हूँ भाई, इतनी तेज धूप में अगर मैं बाहर जाऊंगा तो भाई गर्मी बहुत ज्यादा होने के कारण सनबर्न हो जाता है स्किन में। तो अभी कुछ काम है वो करने जाएंगे हम। ये देखिए घास का काम भी समाप्त होने की कगार पर है। तो अभी हम नीचे जाने वाले हैं, चलो चलते हैं गाइस और मिलूंगा अब आपको सीधे लंच टाइम में। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 2:00 PM और धूप देखो कितनी खतरनाक है भाई। अपनी परछाई देखो कितनी स्पष्ट दिखाई दे रही है। इस तरफ देखोगे तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ आसमान आज। और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे पार्किंग तक अपना ATM देने भाई। इसमें कुछ पैसा है वो निकाल के घर लाना है क्योंकि कल के दिन लोग आएंगे भाई, उनको पैसों की सख्त ज़रूरत है तो देने पड़ेंगे। अब काम करवाना तो पैसा देना पड़ता है ना, बिना पैसों के तो आजकल कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में एक बार फिर से हम नए सफ़र पर निकल चुके हैं भाई। आपके भाई को ना बहुत मुसीबतें हैं ज़िंदगी में, तो अभी चलो यहाँ से चलते हैं। बिना हेलमेट के ड्राइव करना गैरकानूनी है, तो हेलमेट लगा के ड्राइव करा करो। अब हमारा तो भाई यहीं पे है, मैं लगाने वाला हूँ, बट ब्लॉग हेलमेट के अंदर नहीं बनता है। चलो यहाँ से चलते हैं, सड़क के हालात आपको पता है, टाइम लग जाएगा दोस्तों नीचे पहुँचते तक। बाकी मिलता हूँ भाई, मैं कहाँ जा रहा हूँ वो बाद में बताऊँगा आपको। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं इस तरफ एंड मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस जो दोगरी में लोग आए थे वो देखो वापस जा रहे हैं ना। ये सड़क कितनी ज़्यादा ख़राब है आप लाइव देख सकते हो। देखो वहाँ से अब ये नीचे से जाएगी गाड़ी, तो मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। मैं सोचा आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं एक झलक। इतने ज़्यादा इस सड़क के ख़राब हालात है ना भाई, जो आप सोच नहीं सकते। ये देखो आप यहाँ से ना इसमें घास लेकर जा रहे हैं और जो भी सामान था वो सारा यहाँ से जाएंगे। ये देखो कितने ज़्यादा बुरे हालात है इस सड़क के। और चलो ये तो फिर भी भाई 4x4 पिकअप होती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम शायद नहीं आती है। तो कितने बाहर से जाना पड़ रहा है देखो भाई, गाइस बहुत ही टफ है। तो हमारा तो बेचारा ये 2-व्हीलर, इसके एक तो स्कूटी के टायर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जिसकी वजह से कहीं भी पलट जाती है भाई। तो ये देखो ऐसे में चलाना बहुत ज़्यादा टफ रहता है। सो गाइस आज रिटायरमेंट है, तो भाई ऊपर देखो गाड़ियाँ जा रही हैं ना धनाधन। हमारे दोस्त के पापा की रिटायरमेंट है तो भाई गाड़ियाँ जा रही है, तो मुझे तो बार बार रुकना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे में ना रिस्क रहता है बहुत ज़्यादा। अगर मैं जाता भी हूँ तो भाई ये रोड इतना ज़्यादा ख़राब है कि कुछ गड़बड़ हो गई तो मुसीबत पड़ सकती है। तो ये देखो गाइस बहुत ही गाड़ियाँ जा रही है भाई, चलो हम भी चलते हैं नीचे। गाइस वापस पहुँच चुका हूँ भाई, हालत ख़राब हो चुकी है, इतने बाबा सिर रोड है ये, क्या ही बताऊँ। मतलब सबसे पहले पता क्या है, सड़क ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ पे आके ब्लॉग बनाओ भाई, इतना टाइम कहाँ है हमारे पास। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही थी गाइस, मैं भी वापस पहुँच चुका हूँ भाई, बहुत सामान था, बहुत ज़्यादा टफ था। सभी लोगों से विनती है गाइस, खासकर हमारे प्रधान और प्रधान, इन सब लोगों से कि कुछ कीजिए भाई, ये सड़क ठीक करवाओ। मंदिर आने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। चलो हम तो कभी कभार जाते हैं, लग रहा है ऐसा कि मैं ड्राइव करके आया हूँ भाई, ऐसा लग रहा है कि खेतों में हल लगा कर आया हूँ मैं भी। कैमरे पे कुछ गंदगी है भाई, तो अभी वापस पहुंच चुके हैं, सारा तामझाम जिस काम के लिए मैं गया था वो भी कंप्लीट करा, उसके बाद अभी लंच करने को था। तो लंच करके पीछे यहाँ टैंक के पास आकर बैठा हूँ गाइज, अभी ब्लॉग अपलोड करना है आपको पता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब दोस्तों आपको डेली ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे, तो भाई हर दिन रूटीन में ब्लॉग मुझे अपलोड करना है। तो अभी नीचे से आ रहा था तो मौसम बिल्कुल साफ था, धूप थी एकदम, और अभी देखो आधा घंटा मुझे यहाँ पर आए हुए हुआ और पूरी की पूरी धुंधी धुंध हो गई हर तरफ। तो भाई पहाड़ों में मौसम ऐसा रहता है कि कन्फर्म नहीं है कि कब क्या हो जाए, कभी बारिश कभी बरसात तो कभी बर्फ़ भी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो भाई अभी टाइम हुआ है 6:19 और मैंने अभी अभी जस्ट ब्लॉग अपलोड करा है, 6 मिनट में 4 व्यू यहाँ पे आ चुके हैं। तो भाई बहुत ही थैंक यू सो मच गाइज सभी के लिए। और यहाँ पे मैं फुलके बना रहा था, अभी हम खाना पैक करके नीचे लेकर जाएंगे,
तो फोन क्वाइट करते हैं गाइज। और ये मैंने फुलके बना दिए, खाना मैं पैक कर रहा हूँ, यहाँ पे सब्जी पैक हो चुकी है और ये पहुंचाएंगे माता जी के लिए, क्योंकि आज यहाँ पे बुकिंग है। वरना जैसा आपको मैंने बताया था कि हमारे पास वाले गाँव में मेरे दोस्त के पिताजी की रिटायरमेंट है, तो वहाँ भी जाना था मगर बुकिंग की वजह से नहीं जा पाएंगे। तो बुकिंग के लिए दोस्तों लोग आने वाले हैं और भाई उन्हीं का फोन आ रहा है। तो हेलो, तो दोस्तों जो बुकिंग के लिए कॉल आई थी वो भी भाई अपने भाईचारे कुछ पहुंचने वाले हैं यहाँ पे, मैं जानता नहीं, एक आधा नॉन है मेरा, बाकी अननोन है। तो चलो जो भी होगा मिलाएंगे आपसे। सो गाइस इवनिंग टाइम एंड नीचे का व्यू देखो, ग्राउंड में ऐसे ना धुंध है, इस तरह से पड़ी हुई है जैसे बादल जमीन पर आ गए हो। अभी जा रहा हूँ मैं नीचे ये सामान लेकर, तो नज़ारा देखो भाई, बादल जमीन पर है, ऊपर ऊपर सारा का सारा आसमान क्लियर है और नीचे देखोगे आप ना पूरी की पूरी धुंध गाइस फ्लो कर रही है ग्राउंड में। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये देखो मैं बिल्कुल खाली हूँ, यहाँ पे मेरे आसपास कोई धुंध नहीं है, बट यहाँ पे देखोगे तो धुंध, यहाँ पे भी धुंध और वहाँ देखो पहाड़ों के ऊपर से किस तरह से जा रही है धुंध। जाकर आते हैं नीचे, खाना दे कर आएंगे। सो गाइस अभी जा रहा था वापस, यहाँ पे ब्लॉग रनिंग में चालू है भाई, तो जो लोग आने वाले थे ना वो भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं जंगल के भीतर। तो गाइस अब वक्त है शाम के 7 बजे के ऊपर का, तो भाई अभी जाएंगे हम मंदिर। ये पूजा पाठ मैं ऐसा नहीं कि डेली नहीं करता हूँ भाई, रोज़ करता हूँ मगर हर दिन दिखाता नहीं, क्योंकि चीज़ें अच्छी नहीं लगती है ना, ये शो ऑफ करने वाली चीज़ें नहीं है, ये खुद की आस्था होती है भाई। बाहर अंधेरा हो चुका है प्रॉपर, ये देखो और धुंध कायम है उसी तरह से। चलिए जाकर आते हैं, उसके बाद मिलता हूँ। तो दोस्तों जो अपने भाईचारे आने वाले थे वो पहुँच चुके हैं यहाँ पे, एंड अभी होगा बोनफायर कैंपिंग। तो चलो अभी ना ये देख ही सकते हो भाई, आग जलाने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मौसम वही धुंध, सामने थोड़ा सा बढ़िया है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी आग जलाने में दिक्कत आ सकती है, बट वी आर सर्वाइवल सो हम यहाँ पे आग जलाएंगे भाई। सो गाइस जो भी यहाँ पे अपने भाईचारे पहुँचने वाले थे भाई पहुँच चुके हैं, और अब आपको बताएंगे उनके बारे में, उनसे पूछेंगे कुछ सवाल। सवाल तो क्या ही पूछेंगे भाई, वही कैसी जगह लगी क्या वो सो जो भी है। तो यहाँ पे अपने भाई पहुँच चुके हैं, सर कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको हमारी लोकेशन कैसी लगी? वैसे थोड़ा लेट हो गए थे पर तब भी थोड़ा सा बता सकते हैं आप, कोई बोल दीजिए। लोकेशन बहुत अच्छी लगी, हाँ जी, जैसा हमने सोचा था उससे बहुत ज्यादा बढ़िया लगी जी सर। सबसे पहले तो यहाँ का मौसम, जब भी हम गाड़ी से उतरे तो ऐसा लगा कि कोई अलग ही जगह में आ गए हैं, क्योंकि जहाँ हम थोड़ा लेट हो गए थे जी। तो बादलों के कारण थोड़ी सी स्नो जैसी फीलिंग आ रही थी, और जो हवा थी वो उसमें एक अलग सी फ्रेशनेस, और बहुत अच्छा लग रहा था वो व्यू। थोड़ा सा लेट थे तो थोड़ा अंधेरा हो चुका था, लेकिन फिर भी जो रास्ता था बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, ऊपर से जो माउंटेन्स हैं उसका व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था। यहाँ पे जब पहुंचे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब इन्होंने हमें हमारा वेलकम किया। वो भी जहाँ पे हुआ अब तक, तो हमारे ट्रिप का जो भी ये फेज है ये हमें पूरी तरह से याद रहेगा। तो मेरी तरफ से जो तरफ से तो ये 10 out of 10 जा रहे हैं, क्योंकि इस लोकेशन की जो ब्यूटी है वो है, अगर हमने नेचर को एक्सप्लोर करना है, पास से देखना है बिल्कुल, तो इस जगह पे जरूर आना चाहिए, क्योंकि हर एक जगह की एक ब्यूटी होती है। यहाँ पे हमने बहुत सारे मतलब ट्रिप्स किए हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह पे गए हैं, तो इसका जो व्यू है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो एक बार इसे जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए जी सर। बाकी आपको हमारा बोन फायर वगैरह जो भी, हमने ज़्यादा अरेंजमेंट सर हम आपके लिए कर नहीं पाए, उसके लिए सुविधा के लिए खेद है। बाकी बोन फायर वगैरह आपको कैसा लगा? और अब आपके डिनर की तैयारी हम करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा बनाया हुआ डिनर भी अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ पे सर ऐसा नहीं है कि आपको रेस्टोरेंट वाला कुछ मसालेदार ऐसा मिलेगा, सारा होम मेड होता है, तो सारा का सारा आपको ऐसे घरेलू टाइप से मिलेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। सुबह आपसे जाते जाते एक बार हम फिर से मुलाकात करेंगे और आपसे फिर से पूछेंगे, तो तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। अब आपके सूप की तैयारियां करते हैं। तो गाइस ब्लॉग काफी लंबा हो चुका है, चलो भाई अंदर डिनर की तैयारी करते हैं और उसके बाद मिलेंगे। तो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना है, वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर से करना है, क्योंकि आपको पता है ये लोग पंजाब से थे और इन्होंने यहाँ के बारे में जो भी रिव्यूज दिए वो बिल्कुल जेन्युइन थे। इनको ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ स्क्रिप्टेड बताया था या इनको समझाया था कि आपने ऐसा बोलना है, भाई इन्होंने जो फील करा वही चीजें ब्लॉग में बताई है। क्योंकि जो लोग भी पीसफुल एरियाज पसंद करते हैं, जो ऑफबीट लोकेशन पर जाना पसंद करते हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट प्लेस है।
और सबसे बड़ी जो सुविधा का खेद भाई है वो है हमें सड़क का, कि स्कूल ग्राउंड से लेकर यहाँ ऊपर तक सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से इन लोगों की गाड़ियाँ भी नीचे चंडी में जो स्कूल ग्राउंड है वहाँ पर लगी हुई थी, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी असुविधा होती है और खुद शर्मनाक बात है ये हमारे लिए, क्योंकि बाहर से लोग आकर यहाँ की इन जगहों की तारीफ़ें करते हैं और हमें इतना सा सड़क का जो टुकड़ा है इसको रिपेयर करके बढ़िया बनाना चाहिए, मगर ये चीज़ मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ। तो इन बातों के ऊपर गौर करने के लिए हमारे प्रधान जी, उप प्रधान जी, जो भी हमारे पंचायत में बैठते हैं या जो भी हमारे नेता लोग हैं, उनसे विनती है कि इस सड़क को थोड़ा सा रिपेयर करवाओ, इसको ठीक करवाइए, ताकि लोग डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच सके और इन जगहों को एक्सप्लोर कर सके। बाहर से आए हुए लोग इन जगहों की तारीफें करते हैं, आप भी भाई अपने भाई का सपोर्ट कर सकते हो। मैं इस जगहों को लोगों की नज़रों तक लाने के लिए अपनी पूरी कोशिशें करता हूँ दोस्तों, आप भी कोशिश कर सकते हो मेरे ब्लॉग को शेयर करके एंड दोस्तों में फैला कर। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ से भी शेयर का ऑप्शन होता है, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा सकते हैं, फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं, और कोई यूट्यूब से देख रहा है तो वो भी अपने स्टेटस और फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी शेयर कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉग लोगों तक पहुँचे और लोग हमारे साथ जुड़े और लोग इन जगहों को एक्सप्लोर करें, हमारे लिए उसमें ही सबसे ज़्यादा खुशी होगी गाइज, और मैं चाहता हूँ कि आप सबकी खुशियाँ भी इसी में हो। तो बस शेयर ज़रूर से ब्लॉग को करा करो, और सबसे ज़्यादा गुजारिश जो मैंने कर दी है कि भाई सड़क को थोड़ा सा रिपेयर करना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी बात है। कौन कौन इस बात से सहमत है सड़क को ठीक करने से, ये कमेंट में आपने अपने रिव्यू ज़रूर देने। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, बाकी ज्ञान आपको बाद में दिया जाएगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो एंड मिलते हैं बाद में गाइज।